स्ट्रीमिंग की बात काफी दिनों से मैं कर रहा हूं और आज की ये वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड है एल्गाटो ब्रांड की तरफ से। एल्गाटो फेमस है अपने कैप्चर कार्ड के लिए, तो यहाँ पे एल्गाटो ने अभी 3-3 प्रोडक्ट मुझे भेजे हैं। कुछ और हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, कौन से हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज ये वाली जो वीडियो है ये है सिर्फ ये वाली लाइट्स के ऊपर, और बीच में ये जो छोटू सा बॉक्स है ये है वर्ल्ड का पहला कैप्चर कार्ड जो रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 फ्रेम्स HDR के ऊपर। तो इस वाले कैप्चर कार्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं डेडिकेटेड, बट वो आज नहीं, वो 3-4 दिन बाद आएगी, तो इसको अभी रख देते हैं नीचे। अब बात कर लेते हैं ये वाली लाइट्स की। ये जो मॉडल है लाइट्स का ये है की लाइट एयर। पिछले साल एल्गाटो ने रिलीज की थी अपनी लाइट्स जिसका नाम था की लाइट, और $200 था उनका प्राइस। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाली लाइट, और सबसे ज्यादा फेमस होने का रीजन है क्योंकि ये वाली जो लाइट्स है इनका मेन फोकस है कंटेंट क्रिएटर्स या फिर स्ट्रीमर्स। क्योंकि अभी तक जो भी हम लाइट्स यूज करते हैं, चाहे यूट्यूबर हो स्ट्रीमर्स हो, हम लोग यूज करते हैं प्रोफेशनल लाइट, सॉफ्ट बॉक्सेस, LED पैनल्स। कई बार हमारे पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती है कि इतनी बड़ी लाइट्स को रख पाएं, या फिर कुछ लोग ले लेते हैं और अपने बेडरूम में उनको रखते हैं और वो जो सारी जगह है वो घेर लेती हैं आपकी लाइट्स। तो ये वाली जो लाइट्स हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट्स हैं और इनको आप कहीं भी आराम से रख सकते हो, और इनका मेन फोकस है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, स्ट्रीमिंग के ऊपर। और ये वाली जो लाइट्स हैं आप इनको कंट्रोल कर सकते हो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर से, अपने स्मार्टफोन के साथ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस भी तरीके से आप ऑपरेट करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सिंगल पीस का प्राइस है $129। लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ एल्गाटो का कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे अनाउंस किया था कि मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, और उसी टाइम पे मैंने एल्गाटो को अप्रोच किया और उन्होंने बहुत ही काइंडली मुझे ये रिव्यू यूनिट्स भेजी, तो थैंक्स एल्गाटो। और बहुत हो गई तारीफें, अब चेक करते हैं कि जो हाइप है वो रियल है या फिर नहीं। तो फटाफट से करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ कैसी है एल्गाटो की लाइट एयर। अब यहाँ पे बॉक्स की अगर हम बात करें तो की लाइट एयर का आपको डिजाइन दिख रहा होगा। वाईफाई इनेबल्ड, 1400 ल्यूमेंस। ये जो ल्यूमेंस है ये यूनिट होती है लाइट को मेजर करने की, एडजस्टेबल कलर, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे जाकर। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये स्पेशली लाइट्स बनी है उनको फोकस में रखकर, तो यहाँ पे अगर बॉक्स की बात करोगे तो बॉक्स पे भी वही चीज आपको दिख रही है। और ये है कंट्रोल सेंटर जो आपको मिलेगा ऐप के अंदर। अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो टेप है वो कट कर दी है। निकालते हैं अपनी लाइट्स को बाहर, और बहुत ज्यादा भारी बॉक्स है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का कोई बॉक्स है। तो सबसे ऊपर एक पेपर जहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में बताई हुई है, तो ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे है स्टैंड जो कि अच्छा खासा भारी है, बिल्कुल भी हल्का फुल्का नहीं है। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे है हमारी की लाइट एयर, बहुत ही छोटी सी है और इसको देखने से पता चल रहा है काफी पावरफुल होगी। उसके साथ ही है यहाँ पे स्टैंड, आपके बेस के ऊपर अटैच होगा, इस जगह पे जाएगी आपकी लाइट, तो इसको रख देते हैं। और बॉक्स के अंदर देखते हैं अब क्या क्या मिलेगा, पावर अडेप्टर वगैरह ही होगा इससे ज्यादा, तो क्या मिलना है इसके अंदर। और खोलते हैं बॉक्स को, तो पावर अडेप्टर, उसके बाद है बॉल माउंट, अगर आप अपनी जो लाइट्स हैं इनको मूव करना चाहते हो, जब एक आपने सेटअप किया हुआ है नीचे या ऊपर करना चाहते हो तो ये बॉल माउंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज जो मुझे बॉक्स के अंदर मिली जो आज से पहले मैंने किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं देखी, डिफरेंट यहाँ पे आपको पावर पोर्ट्स मिल रहे हैं। तो आप जिस भी कंट्री में हो तो सब जगह के पावर प्लग्स मिलेंगे, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको आप अपने साथ ही कैरी कर सकते हो, अमेरिकन, इंडियन, UK, तो जिस भी कंट्री से हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें कवर कर ली है एल्गाटो ने। तो ये तो हो गया हमारा अनबॉक्स का एक्सपीरियंस, अब फटाफट से सेटअप करता हूं लाइट को और स्ट्रीमिंग में स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये टेबल मैंने ऑर्डर किया है, ये भी फ्लेक्सी स्पॉट का स्टैंडिंग डेस्क है, ये मैंने ब्लैक में ऑर्डर किया है, और ये जो टेबल है ये है व्हाइट कलर में, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और अगर ये लेना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी की लाइट एयर का सेटअप। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपका लगेगा। पीछे ये जो चीज देख रहे हो ये है बॉल माउंट, तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हो आपके पास बहुत ही अच्छी एक्सेस है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहो घुमा सकते हो, और ये है स्क्रू, यहाँ से आप टाइट वगैरह कर सकते हो। अगर मैं बटन्स की बात करूं कि कौन कौन से बटन्स हमें इस वाली लाइट में मिलते हैं, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा पावर के लिए, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको रीसेट बटन दिख रहा होगा, अगर आप किसी और डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हो या अपनी लाइट्स को रीसेट करना चाहते हो तो आपके पास है बटन। और लास्ट में एक बटन और हमें यहाँ पे मिलता है जो कि है नीचे, ये है आपका ऑन ऑफ वाला बटन, अगर आप इसको ऑफ मैनुअली करना चाहते हो यहाँ से ऐप की बजाय, तो नीचे है एक छोटी सी स्विच जहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो।
बेस प्लेट की बात करें तो काफी ज्यादा हैवी और काफी ज्यादा स्टर्डी है, कहीं भी नहीं जाने वाला। और आप ये वाली लाइट्स को अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिस भी लेंथ पे रखना चाहो काफी अच्छी खासी रेंज आपको मिलती है। अगर आप इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको बस इसको फ्री करना है और उसके बाद आपके पास आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसकी हाइट, और उसके बाद आपको जो स्क्रू है इसको टाइट कर देना है। तो ये तो है बेसिक सी चीजें, अब दिखाता हूँ आपको ऐप। तो दोनों लाइट जो है प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है और मैंने अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एंड्रॉइड, iOS, PC, Mac, किसी भी चीज के ऊपर आप हो, आपको बस एल्गार्टो की कंट्रोल सेंटर ऐप डाउनलोड करनी है या सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है अपने PC या Mac के ऊपर, और उसके बाद इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपको ऐप के अंदर जाना है और वहां से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो और टेम्परेचर भी। तो अगर आपको डे लाइट चाहिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे येलो स्टोन चाहिए, सारी चीजें आप कर सकते हो, वो करके दिखाता हूँ। बट एक चीज का आपको ख्याल रखना है, फोन जिनके पास है उनको कोई भी टेंशन नहीं है, बट अगर आप इसको किसी PC के साथ चलाना चाहते हो तो आपको जो PC है वो होना चाहिए वाईफाई इनेबल्ड। अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो ये काम नहीं करेंगी, इसलिए मेन चीज है वाईफाई, क्योंकि वाईफाई इनेबल्ड लाइट्स हैं ये वाली। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो नेटवर्क ये वाली लाइट्स यूज करती हैं वो है 2.4 GHz वाला नेटवर्क। अगर आपके पास 5 GHz का नेटवर्क है उसके ऊपर ये वाली लाइट्स काम नहीं करेंगी। तो 2.4 से कीजिए आप कनेक्ट और उसके बाद बहुत ही इजीली काम करती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं ऐप की, तो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे आईफोन, बट एक्सपीरियंस जो है वो सेम रहेगा सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे। तो अभी मैं हूं अपनी ऐप के अंदर, अगर मैं ऐप को ओपन करता हूं आपको लाइट्स दिखती रहे ताकि अच्छे से, इसलिए मैंने इस तरीके से लाइट्स को रखा है। ये मैंने करी लाइट्स ऑन। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों लाइट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ से मैं पावर को कम या ज्यादा कर सकता हूँ, आप लोग देख रहे हो। और ये है टेम्परेचर की स्विच, तो अभी येलो स्टोन है और यहाँ पे प्रॉपर डे लाइट। और ये वाली लाइट्स बहुत ही ज्यादा छोटी हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा स्पेस ये आपके सेटअप में नहीं लेंगी लाइट्स। तो अगर आप एक स्ट्रीमर हो, यूट्यूबर हो, तो काफी ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब अगर मैं इनको ऑफ करूँ यहाँ से, क्योंकि इस ऐप के अंदर इसके अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं है, अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली आपकी जो लाइट्स है आप यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप एल्गार्टो का ही स्ट्रीम डेक यूज कर रहे हो, चाहे ऐप या फिर प्रॉपर प्रोडक्ट, तो आप स्ट्रीम डेक से भी इनको कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसको मैं फिल्म कर रहा हूँ दो सॉफ्ट लाइट्स के साथ। अब अगर एक बार हम लोग देखें की लाइट एयर की परफॉर्मेंस और ये है की लाइट एयर का रिजल्ट, तो आप बताओ कितना ज्यादा फर्क है सॉफ्ट बॉक्स के कंपेरिजन में। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऐप है तो मैं यहाँ से इंटेंसिटी जो है वो कम या ज्यादा कर सकता हूँ जैसी भी मेरी नीड्स है। उसके अलावा अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ तो आपके सामने है, तो काफी अच्छी मुझे ये चीज लगी क्योंकि सारा जो कंट्रोल है वो है आपके स्मार्टफोन के ऊपर। तो एक क्रिएटर को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अगर अब मैं अपने सेटअप की बात करूं, आपको पीछे ये सेटअप दिख रहा होगा, इसका मैंने टूर बनाया है। अगर मैं इसके ऊपर इसको इंटीग्रेट करना चाहूं तो कैसा लगेगा वो दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके से मैं रख सकता हूं अपने सेटअप के ऊपर और आराम से यहां पे मैं स्ट्रीमिंग कर सकता हूं। तो यहां पे आ गई है मेरी दोनों लाइट, बीच में है माइक, इस जगह पे आएगी मेरी चेयर, और जहां पे मैंने लाइट बार लगाया हुआ इस जगह पे जाएगा वेबकैम। और अभी जो आप लाइट सोर्सेस देख रहे हो ये है लाइट एयर, तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं और सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूं इस चीज से कि कितना छोटा साइज है। और आपने मेरे सेटअप के अंदर भी देखा, बहुत ही मजे से आप अपने सेटअप में इसको इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो जो यूट्यूबर बनना चाहता है, स्ट्रीमर बनना चाहता है, बट ज्यादा जगह नहीं है, आप अपने डॉर्म से शूट करना चाहते हो, हॉस्टल में हो, या आपका जो लिविंग स्पेस है वो छोटी है, तो आप एक छोटे से डेस्क के ऊपर ये लाइट्स को सेटअप कर अपना पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रीमिंग गियर तैयार कर सकते हो। और ये एक चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ये वाली लाइट्स के बारे में, और स्पेशली जिस प्राइस रेंज में ये वाली लाइट्स आ रही हैं, क्योंकि अगर आप एक LED पैनल लेते हो तो 500-600 से नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है और जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिल रही है उसको कंसीडर करते हुए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाली लाइट्स आप सबके लिए भी। और ये थी मेरी वीडियो एल्गार्टो की लाइट एयर के बारे में। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से करो सब्सक्राइब। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।